Hi guys, welcome back. So yes, finally we are going to react on the Mola Jat. वापिस आ चुकी है तीन साल बाद लगभग. तीन साल बाद कैसे? ये तीन साल पहले रिलीज होने वाली थी मूवी. मच. फिर अब क्यों? बैन 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 जो चलता है पाकिस्तान में. तो I don't know. क्योंकि I think जो पुरानी मूवी जो पहला पार्ट थी मूवी का उन्होंने कुछ केस कर दिया. आई थिंक जितना मुझे लोगों ने कमेंट्स में बताया. तो फिर उसके बाद आई थिंक कुछ लीगल एक्शन कंप्लीट हो गया होगा और द मॉल ऑफ जट का न्यू ट्रेलर इन्होंने निकाला है. मैं पुराना भी देखूंगा इसके वीडियो के साथ ही. बट फर्स्ट वी आर गोना रिएक्ट ऑन द न्यू वन. सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा, स्क्रीन में भी आ रहा होगा. आज कोई प्लीज नहीं, नो इफ नो बट, सिर्फ मॉल ऑफ जट. पंजाबी है, समझ लगा. लेट्स स्टार्ट. हाँ बहुत हो गया. हाँ यार, जोर से मार दिया पट्ट पे. छुपाने मार दिया. ये नहीं से पता केस काढ़ी था अंजाम. यार देखो गाइस, मैं देखो रोकना चाहता नहीं वीडियो के बीच में, बट भाई ये जो लुक है ना, लिटरली देखो आप सबने देख लिया होगा, तो प्लीज आज मेरी बात सुन लो. प्लीज मैं दिल की बात सुनो. ये जो लुक है ना, जैसे सिनेमेटोग्राफी हो रखी है, ऐसी मूवी मैंने 300 देखी अपने वो जो स्पार्टन्स की है, वैसी तरह से ग्राफिक है. एक बार चेक करो यार, मतलब समझ रही है. और ये पाकिस्तान की फंडेड, मतलब पाकिस्तान में पूरी मूवी शूट है ये. सो जस्ट लुक एट दिस मैन, कम ऑन. मंदिर है ये. वाओ. ए निसे पता केस काढ़ी था अंजाम. ए ओपेका. ए निसे पता कि मैं पुत्र नहीं, पूरे पिंड दी मौत लेके आईया. What? ਜੇ ਪਕਨਤਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਅਥਰੇ ਨੱਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਨੂਰੀ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ. ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੇਲੇ 'ਚ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਜਾਗੀਰ 'ਚ ਦੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ. ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ. हथियार देखा? सरदार चढ़ता है साहब, कमरे चो बाहर आ गए. महिला, वन एंड ओनली महिला. गाइज मैं लिटरली मैं चाट नहीं रहा ना, मैं लाइक के लिए कर रहा हूँ. आपकी मर्जी है. आज मैं एक रुपए का लाइक नहीं मांगने वाला, चाहे डिसलाइक कर दो, आई डोंट गिव अ फक टुडे. बट लिटरली मैं बताऊं, पंजाबी मूवी ना इस लेवल की इंडिया में भी नहीं बनी आज तक. जिसकी मर्जी कसम गिरा दो, जिसकी मर्जी चेक कर लो, बॉलीवुड लेवल की, बॉलीवुड से भी ऊपर आई गाइस, टू बी ऑनेस्ट. ये लेवल की मूवी मैंने सिर्फ 300 देखी है, स्पार्टन्स की मूवी. ये मतलब दिस मूवी और पंजाबी लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में मूवी बनी है और इतना तगड़ा बजट होगा इस मूवी का. ओह माय गॉड, मैं 101% देखूंगा ये, जितने मर्जी पैसे लगे इसके. भाई इंडिया में रिलीज होगी बट ऑनलाइन देखवाएंगे इसको. पहली बारी रक्त ते सबले एक शेर आया है. ये तू चंगी तरह जानना, तू कितना पंगा लेता है. तेरे मौत दे कुएं वाले पहलवान नहीं, मौला मरण तो चले को कोई ऐसे मैदान दा फैसला ते हुन मौला ही कर सकदा. जिस सफर ते मैं जान लगा तेरे तो इतना दूर हो जावांगा जिन्ने तेरे तो तारे दूर ने. सरदारी दी पग सिर्फ ओदे सिर दे आ सकदी है जिदे ना दी दहशत तो हर दुश्मन दी औरत बांझ हो जावे. ते ओ इस पंजाब च चेक किए तेरे किट्टे तो लेके गाटे तक एने टूटे करांगा कि कबर तक पहुंचते तेनू अपनी मां दी इको आवाज आएगी. मैदान जित सिर झुका के माफी मंगने वाले दी नहीं, सिर उठा के कर्जा लेने दी होंदी है. एच तेरी जित, मैं अपनी इज्जत, ते अपनी जिंदगी लाए ने मौले. भाई साहब यार, द लेजेंड ऑफ जट. ओ माय, मुझे नहीं रियल तो नहीं, कहीं होगी लिखा तो आई नहीं. एक सेकंड में, एक सेकंड मुझे ना इस मूवी का सिर्फ एक सेकंड ऑनलाइन रहो. द बढ़ गया, बी यू डी जी बजट ऑफ
द लेजेंड ऑफ एक सेकेंड द इसका मुझे बजट चेक करना है बिकॉज अगर भाई सस्ते मनी ना मूवी तो मतलब ओके 120 मिलियन डॉलर सो 120 मिलियन को आप 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे सो लगभग इंडिया के 80 करोड़ के आसपास जहाँ से लग रहा है मेरे कैलकुलेशन थोड़ी गलत चुकी है यार बट इतना और मैं आपको बताऊँ मुझे एक सेकंड मेरी स्क्रीन देखो भी आप देख रहे होगे अभी भी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यहाँ पे 300 एक सेकंड आई एम सो फकिंग एक्साइटेड वैसे कुछ हुआ भी नहीं रहा 300 ट्रेलर अगर मैं आपको ये दिखाऊँ ना जो इसके सिनेमेटोग्राफी जो सिने मतलब दिस आपने देखी होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है सीन 300 वाले पक्का देखी होगी देखो मैं इसको ना प्लेन कर रहा कॉपीराइट आ जाएगा फालतू का देखो इस लेवल का देखो ग्राफिक है इसकी मूवी के लिटरली कह रहा हूँ मैं इस लेवल के है ना लग रहा है वो सीन देख बिल्कुल ऑलमोस्ट दे लड़ाई लड़ाई और मैं खुश इस बात से हूँ पंजाबी के अंदर है मूवी ऐसा नहीं कि मतलब उर्दू के बोले पूरी पाकिस्तान में और वही कह रहा हूँ पाकिस्तान में जहाँ पे मूवी बनती तक नहीं है कोई भाई मूवी बनने से एक साल में हार्डली एक या दो मूवी आती है उस देश में इतने वो भी ओह माय गॉड कितना कुछ है इस मूवी में और गाइस मैं लिख के देने वाला हूँ पाकिस्तान में इतना मूवी नहीं पैसा कमाया कि जितना इंडिया में कमाने वाली है मैं लिख के दे रहा हूँ पंजाब में हाउसफुल जाने वाली है मूवी अभी तक यहाँ पे इसका एक भी प्रमोशन नहीं हम जैसे यूट्यूबर थे ना वही प्रमोट कर रहे हैं इतने इसके जो आपने जैसे आपके डायलॉग इतने बॉम्ब कितनी अच्छी थी ओ माय गॉड नहीं डायलॉग इतने सही लग रहे थे हां डायलॉग इतने और लुक्स ओ माय गॉड फुल और इस मूवी में इंडिया में है मूवी बताऊं एक ऐसी मोहनजोदड़ो अगर आपने देखी हो तो मोहनजोदड़ो भी एक मूवी है देखिए वो ऐसी है ना ऋतिक रोशन की हां मतलब थोड़ा मतलब दिखने में ऐसी लगती है बट मैं कह रहा हूँ इस लेवल की मूवी आज तक तो मैंने हिंदी उर्दू पंजाबी इंग्लिश में नहीं इंग्लिश में देखी है नहीं देखी सो अगर इसके जो वेबसाइट कह रहा हूँ क्या बोलते हैं जो मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं जो भी हैं अगर उनके पास दिमाग है बहुत तगड़ा वाला जो कि है इतने मूवी बनाई तो उनको ना इंडिया में इसकी प्रमोशन करनी चाहिए और इंडिया में रिलीज भी करनी चाहिए मैं लिटरली कह रहा हूँ इंडिया में फाड़ के निकलेगी और क्योंकि देखो फवाद और माहिर तो इंडिया में बहुत फेमस है सबको मालूम है तो वो तो लाइक जरूरत नहीं है पाकिस्तान एंगल आएगा उनमें तो बस एक बार इंडिया में रिलीज कर दो फिर देखो भाई साहब एक सेकंड पानी पी लो फटकी नहीं बोल बोल के और मतलब इसका मतलब देखने में ऐसी लग नहीं रही ना ये पंजाबी की है ना बॉलीवुड की लग रही है ये मूवी नहीं नहीं व्हाट डू यू मीन पंजाबी की है पंजाबी इंडस्ट्री हाँ तुझे क्या लग रहा पंजाबी कम है तो वही तो बोल रही कि लग ही नहीं रही इतनी अच्छे से मतलब डायलॉग इतने बॉम्ब थे यार इसमें ना वो डायलॉग था उस वाले में ना जो पहला पार्ट था उसमें डायलॉग था पता नहीं शेर दा कोई पुत आ गया नाम है मौला जट ऐसे एक डायलॉग है मतलब बहुत सही डायलॉग है वो मैं सुनाऊंगा तुझे अगर कॉपीराइट नहीं कॉपीराइट नहीं देते भाई ये लेजेंड ऑफ मौला जट वाले दे आर फकिंग लेजेंड दे डोंट केयर अबाउट द मनी फालतू का एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड जस्ट वेट 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 ये तूने नहीं सुना पर मैं सुनाऊंगा इसके बाद जट दा तेज घंटा सा So guys, I think this is going to be my favorite movie. Yeah. मैं literally कह रहा हूँ. बाकी देखते हैं भाई. अगर इंडिया में रिलीज होती otherwise. अरे ये तो same है. This legend of. अरे वही है. अरे पहले. India की है. अरे नहीं नहीं. पहले जगह इनका इसी movie का trailer आया था पहले. But ये new trailer है. So guys, I'm so excited for this movie. Guys, comment से बताएं कौन-कौन excited है इस movie के लिए. And मिलते हैं next video में. चैनल को subscribe कर दें. Till then take care. Bye bye and peace out.